घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक हुई है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर होता है, वो क्षण प्राण देता है वो भगवान है, प्राण बचाने वाला वैद्य और प्राण की रक्षा करने वाला क्षत्रिय। एसएस राजा मौली की स्क्रिप्ट कैसे अलग है बॉलीवुड की स्क्रिप्ट से? आज तक बॉलीवुड में स्वतंत्रता सेनानियों पर कितनी फिल्में बनी हैं? पहले की फिल्में अब की पीरियड फिल्मों से आखिर कैसे अलग है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया अरोरा, आपकी आज की होस्ट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीक्रैट स्टूडियोज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड में बनी कुछ स्वतंत्रता सेनानी की फिल्मों के बारे में। तो आपको बता दें कि फिल्म शहीद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बेस्ट हिंदी भाषा की फिल्म है। भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वल्लभ भाई पटेल का किरदार एक्टर ने काफी उम्दा तरीके से निभाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर बनी ये फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल द्वारा बनाई गई थी। फिल्म बोस द फॉरगॉटन हीरो को नरगिस दत्त नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। परेश रावल ने इसमें अपनी काफी सराहनीय भूमिका भी निभाई थी। ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी तकरीबन 100 साल तक चली। चटगांव भी इसी में से एक था। चटगांव फिल्म में चटगांव संघर्ष, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल होने की कहानी को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि वैसे तो महात्मा गांधी के जीवन पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन श्याम बेनेगल की फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी ने गांधी के जीवन को बखूबी दिखाया है। खेले हम जी जान से फिल्म 2010 में बनी थी। ये फिल्म चटगांव क्रांति पर बेस्ड है, जिसमें क्रांतिकारी सूर्य सेन का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है। फिर मंगल पांडे बनी, जो मंगल पांडे के जीवन पर आधारित थी। मंगल 1857 की क्रांति के अति युद्ध थे। आपको बता दें कि मंगल ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के जवानों व किसानों के साथ शुरू किया था। वो इस लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण सेनानी रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और राष्ट्रवादी नेता वीर सावरकर के जीवन पर बनी फिल्म में उनके जीवन को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया था। कारगिल युद्ध पर बनी फिल्म एलओसी कारगिल में अभिषेक बच्चन और आदि हीरो ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। इसमें कारगिल युद्ध की सारी यादें ताजा कर दी गई थी। फिर 2004 में आई फिल्म लक्ष्य को भी 1999 कारगिल युद्ध पर आधारित रखा गया था। फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह से एक इंडियन आर्मी ऑफिसर युद्ध जीतना जानते हैं। बॉर्डर के बाद ये एक ऐसी फिल्म रही जिसने लोगों का दिल काफी हद तक जीत लिया था। ऐसे ही दो और सेनानियों की बातें और यादें लेकर एसएस राजा मौली आ रहे हैं, जिन्होंने आदिवासी जनजाति के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म आरआरआर सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीक्रैट स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन। बहुत बहुत